बच्चों आओ अल्फाबेट्स पढ़ें। अल्फाबेट का कैपिटल लेटर्स हम पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ये देखो, ये है कैपिटल लेटर ए। कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई एंड जेड। ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ये है कैपिटल लेटर्स। इसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, ठीक है? तो बच्चों, हमने अपने नोटबुक में पहले ए लिखना सीखा, बी लिखना सीखा, सी लिखना सीखा, डी लिखना सीखा, ई लिखना सीखा, एफ लिखना सीखा। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जी लिखना सीखेंगे। अपनी नोटबुक में जी लिखना सीखेंगे। जी फोर क्या होता है बच्चों? जी फोर गन। गन, गन मींस बंदूक। जी फोर गन, गन मींस बंदूक। हम अपने नोटबुक में आज जी लिखेंगे, तो चलो जी लिखते हैं। जी कैसे लिखते हैं बच्चों? ये देखो, लेफ्ट कर्व, इस कर्व को ऊपर ले जाना है, फिर थोड़ा अंदर ले जाना है, यहां से वापस एक स्लिपिंग लाइन, देन एक स्टैंडिंग लाइन। बन गया जी। जी फोर, जी फोर गन। गन मीन्स बंदूक, ठीक है? अब हम अपने नोटबुक में जी लिखेंगे, तो उसके लिए हमें पेंसिल और स्केल चाहिए, जिसकी मदद से हम अपनी नोटबुक में लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए। लाइंस को ड्रॉ करने से हमारी राइटिंग साफ सुथरी दिखेगी, है ना? इस तरह से हम पूरी पेज में लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमें जी लिखना है लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर कैसे लिखना है? तो ये है फोर लाइन की कॉपी, ये आपको पता है। तो फोर लाइन की कॉपी में हम अल्फाबेट्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, अब जी लिखना है, तो जी कैसे लिखेंगे? ये ऊपर की एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये तीन लाइन में हमें कैपिटल लेटर जी लिखना है, ठीक है बच्चों? तो देखो कैसे लिखते हैं। यहां से पेंसिल लिया, इसको इस तरह से गोल घुमाया, कर्व, ये कर्व घुमा दिया तीसरी लाइन तक, इसको ऊपर ले जाना है सेकंड लाइन में, है ना, दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में ऊपर ले गए, और यहां से एक स्लिपिंग लाइन, दूसरी लाइन में एक छोटी स्लिपिंग लाइन, देन नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से, ठीक है? जी बन गया।
आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिए जी लिखने का, पूरी पेज में हम जी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें जो कर्व बनाना है बिल्कुल इस तरह से राउंड, बिल्कुल गोल टाइप का, और इस तरह से स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की मदद से जी बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये कर्व बनाना है, लेफ्ट कर्व बनाया पूरा गोल, इसको ऊपर ले गया लाइन, और यहां से एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, जी बन गया पूरा गोल। लेफ्ट कर्व, इस कर्व को ऊपर ले जाना है सेकंड लाइन में, यहां से स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, जी। आप थोड़ा गोल गोल है, घुमा के लिखना पड़ेगा पेंसिल को। मजे मजे में लिखो, बन जाएगा, है ना जी। बस कोशिश करनी है कि एकदम लाइन के ऊपर रहे, लाइन के बाहर नहीं जाए। जब तक आप लाइन पे नहीं लिखते हो तब तक आप बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। अपनी फोर लाइन की नोटबुक में आप बार बार इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, और साथ साथ बोलना भी है कि ये है क्या, ये है जी, जी फोर गन, जी, जी फोर गन। ठीक है बच्चों, जी फोर और क्या होता है पता है आपको, जी फोर ग्रैप्स, जी फोर गॉट, गॉट मीन्स बकरी, ग्रैप्स मीन्स अंगूर। ठीक है बच्चों, बस इसको आपको थोड़ा पेंसिल घुमा के लिखना है, और बिल्कुल कोशिश करो कि लाइन के ऊपर रहे, इतना करना है और हमारा जी बन जाएगा। ये है जी, जी फोर गन, जी, जी फोर गन। ये जो कर्व है ना, इसको बिल्कुल गोल बनाना है और ऊपर ले जाना है, यहाँ से एक स्लिपिंग लाइन छोटी सी, और यहाँ से तीसरी लाइन में स्टैंडिंग लाइन। ठीक है जी, बन गया। इसी तरह से हम पूरी पेज में इस तरह से जी लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप भी लिखो। इस तरह से ये देखो पूरा हो गया जी। तो जैसे मैंने लिखा है इसी तरह से आप भी अपने नोटबुक में जी लिखिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से जी लिखना है और बोलना है कि ये क्या है, जी, जी फॉर गन, जी, जी फॉर गन, जी, जी फॉर गन। बार बार आप लिखो और बार बार बोलो। ठीक है, आपको लिखने भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, थोड़ा सा हाथ को पेंसिल को घुमा घुमा के लिखना है और कुछ नहीं, है ना। देखने में हार्ड लगता है लेकिन जब आप लिखोगे तो इजी पड़ेगा। आप इसको देख के लिखो कि कैसे इसको लिखना है, आप आराम से लिख लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।